सो हेलो गाइस, मैं हिमांशु पटेल अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में, आज की इस व्लॉग में हम अभी जाएंगे, हम यहाँ से बेंगलोर, हमारी फ्लाइट है यहाँ से इंदौर से हैदराबाद, हैदराबाद टू देन बेंगलोर। अभी बज रहे हैं सुबह के 4, अभी हम थोड़ी देर में यहाँ से एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे। इस व्लॉग में ऑलमोस्ट हम बेंगलोर की सारी जो भी टॉप मोस्ट कॉलेजेस हैं हम उन्हें कवर करने की कोशिश करेंगे, उन्हें एक एक जाकर एनालाइज करेंगे कि वहाँ पर क्या किस तरीके से बच्चे रह रहे हैं या वहाँ का इन्वायरमेंट किस तरीके से है। यह व्लॉग स्पेशली साइंस स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि मैं ज़्यादातर जो भी कॉलेजेस हैं वो जो साइंस के फील्ड्स के बच्चे वो वाली कॉलेज को मैं ज़्यादा विजिट करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए हम अपने व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आपने सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, अगर लाइक अगर पसंद आया तो व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं, चलिए अब चलते हैं एयरपोर्ट के लिए। हम अभी अब आ चुके हैं इंदौर एयरपोर्ट पर, आप देख सकते हैं इंदौर एयरपोर्ट क्या है, हम अंदर जाएंगे। हमारा जो अंदर से इंदौर का जो एयरपोर्ट है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, बेहद ही खूबसूरत तरीके से इसे बनाया गया है। ये उसका टॉप व्यू है, आप दोनों व्यू उस तरीके से देख सकते हैं। और अगर हम बात करें, देखिए ये जो फ्लाइट है ये हमें लेकर जाएगी हैदराबाद और फिर हम हैदराबाद से जाएंगे बेंगलोर की ओर। ये देखिए एरोप्लेन कुछ अंदर से इसको जिस तरीके से दिखाई देता है। अभी कुछ ही समय बाद हमारा जो प्लेन है वो बेंगलोर के लिए या हैदराबाद के लिए निकल जाएगा। ये देखिए ये कुछ फुटेजेस हैं जो कि टेक ऑफ करते समय की थी। देखिए इंदौर बेहद ही खूबसूरत अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं। हम बेंगलोर एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से रनवे से हमें एयरपोर्ट तक ले जाने के लिए ये इंडिगो की बस है जो कि हमें बेंगलोर के एयरपोर्ट तक लेकर जाएगी। हम अभी बेंगलोर पहुँचे हैं। यहाँ से अभी हमें अपनी सबसे पहले कॉलेज के लिए जाना है जो कि है हमारी ऑक्सफोर्ड साइंस कॉलेज यूनिवर्सिटी, जो कि है हमारी HSR लेआउट के पास, वहाँ से 1 किलोमीटर पड़ेगी। उसके लिए हमें बाहर से बस पकड़ना होगी। हम सबसे पहले एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं और वहाँ से हमें एक HSR लेआउट की बस मिलेगी, हम उसमें वहाँ से अपनी कॉलेज के लिए चलते हैं, मिलते हैं। हम अभी बस के लिए निकल चुके हैं जो हम अभी जाएंगे यहाँ से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि यहाँ से अराउंड 65 किलोमीटर के आसपास हमारी जगह रहेगी, जो कि एयरपोर्ट से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो हमारी फर्स्ट कॉलेज रहेगी, हम उसे हम विजिट करेंगे। उसके बाद वहाँ पर हम आपको मिलते हैं। यहाँ से एयरपोर्ट से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाने में अराउंड 2 आवर्स का टाइम लगेगा, हम मिलते हैं। तो right now I am on the street of the Bangalore that now we are going to the Oxford College of Science Bangalore. This is our first college. It's around 1 kilometer from the HSR layout square. So let's meet in the college. So ये guys है हमारी first college जो कि है Oxford University। ये उसके backgrounds हैं। अभी हम इसके फ्रंट गेट की ओर चल रहे हैं। जो अंदर से है वो कॉलेज कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अभी हम अपना जो डिपार्टमेंट है बायोटेक डिपार्टमेंट, हम वहाँ पर जा रहे हैं। हम लिफ्ट से सबसे पहले जाएंगे। अब ये देख सकते हैं ये जो कि उसकी लैब्स हैं, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की लैब्स हैं, ये कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। इंस्ट्रूमेंट्स दिख रहे होंगे आपको, और ये उसका जो भी कॉरिडोर है, ये उसकी लैब्स का बाहर का बोर्ड्स हैं, ये उसकी सेकेंड लैब है। आई थिंक दैट ये टॉपर्स की लिस्ट वगैरह यहाँ पर दिख रही है। ये उसका रिसेप्शन से क्या एरिया दिख रहा है, यहाँ पर बच्चे घूम रहे हैं। ऑक्सफोर्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बेंगलोर की, यानी कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड कॉलेज की। तो देखिए इसमें हम मेनली अगर हम इसके फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो जो इसका MSc बायोटेक्नोलॉजी की फ़ीस है, जो कि है फर्स्ट ईयर की जो फीस रहती है वो है 2,25,000, ठीक है, 2 लाख
25,000 इसकी फर्स्ट ईयर की फीस रहती है, सेकंड ईयर की जो इसकी फीस है वो रहती है 75,000। फर्स्ट ईयर की जो इसकी फीस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो जो हमें जब एडमिशन के टाइम पर हमें इसके 75,000 देना पड़ता है, और जो रिमेनिंग फीस है, जो बची हुई फीस है विच इज़ रिमेनिंग फीस, सो वो हमें कब भरना होता है, जब हमारी कॉलेज स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अगर हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो यहाँ पर 10th, 12th, आधार कार्ड, 4 फोटोज, मार्कशीट्स, डिग्रीज, माइग्रेशन, TC, ये सारी चीज़ जो नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं दूसरी कॉलेज में, इसी कॉलेज में लगते हैं। अगर हम इसकी एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में या ऑक्सफोर्ड कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन की प्रोसेस हो जाती है, ठीक है। आपको वहाँ जाकर डॉक्यूमेंटेशन देना है, ऑनलाइन प्रोसेस होता है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल होता है, आप वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। अगर हम इसकी बात करें NAC रैंकिंग की, तो इसकी जो NAC रैंकिंग है वो A ग्रेड रहती है, और ये NBA यानी कि नेशनल बोर्ड ऑफ एग्रीगेशन से भी एफिडेविट है, और अगर हम बात करें IAO से भी ये इसका एक्रेडिटेड है, ठीक है। इसके अदर कई सारे जो कोर्सेज है वो भी ऑफर करता है, जैसे कि बड़े बड़े कोर्सेज की अगर हम बात करें, जैसे कि MBBS हो गया, MD हो गया, या हम बात करें फार्मेसी हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, इसकी कई सारी डिफरेंट ब्रांच है। अगर हम बात करें ये BSc और MSc मेनली जो साइंस की है, तो देखिए अगर हम बात करें तो BSc की, तो ये BSc कई सारे कोर्सेज में करवाता है, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स साइंस एंड फैशन डिजाइनिंग्स, ठीक है। अगर हम बात करें मेनली MSc की बात करें तो ये रेगुलर डिग्री प्रोग्राम रहता है, जो कि 4 सेमेस्टर का कोर्स रहता है, यानी कि 2 ईयर्स का कोर्स रहता है। इसमें सेम प्रोसेस रहता है जो कि रहता है बाकी की जो अगर मतलब बाकी जो ऑल ओवर इंडिया प्रोसेस फॉर्म होता है, जो बाकी इंडिया में जिस तरह का कोर्स चलता है उसी तरीके से यहाँ पर भी प्रोसेस चलता है, ठीक है। यहाँ का अगर हम बात करें MSc की, तो अप्लाइड जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, सेम जो BSc जिन कोर्सेज में BSc ऑफर करता है उन्हीं कोर्सेज में MSc ऑफर करता है, यहाँ पर PhD नहीं होती है। अगर हम बात करें यहाँ पर ये कौन सी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, तो आई थिंक दैट इज एफिलेटेड फ्रॉम दी कर्नाटका, आई थिंक दैट बेंगलोर यूनिवर्सिटी से ये एफिलेटेड है। तो ये थी हमारी एक बेसिक जानकारी जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज की थी। बाकी आपने क्लिप्स देखी ली है, जो वहां पर वहां की फोटोज और क्लिप मैंने जो डाली है। अगर हम बात करें यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर्स वगैरह की, तो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर्स हाँ ठीक है, मुझे ठीक ठाक लगा था। अगर हम लैब्स वगैरह की बात करें, तो लैब्स भी मतलब अगर हम 3 कैटेगरी में बांट दें, ABC यानी कि A ग्रेड यानी कि हाई क्वालिटी, और C ग्रेड मीन्स वेरी लो, और B, तो इसमें मॉडरेट में ले सकते हैं, यानी कि यहाँ के लैब्स ना तो बहुत ही अच्छे थे और ना तो बहुत बेकार थे। अगर फैकल्टी वाइज बात करें, तो देखिए बेंगलोर में, ऑल ओवर बेंगलोर में एक मुझे बेसिक जानकारी जो मुझे देखने को मिली थी वो थी कि दैट वहाँ की फैकल्टीज और लैब्स ऑल और वेल एंड गुड। अगर हम बात करें बायोटेक्नोलॉजी के प्लेसमेंट्स के परस्पेक्टिव से, तो देखिए मोस्टली ऑल ऑफ द कॉलेज आर ऑफरिंग दैट प्लेसमेंट्स, बट वो डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से उस प्लेसमेंट या उस प्लेसमेंट की रेस में परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये दिस इज ऑल अबाउट द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज। So let's move to the next college. Actually, we are in the St. Joseph College. मैं सबसे पहले मणिपाल यूनिवर्सिटी गया था, लेकिन मणिपाल यूनिवर्सिटी का जो बायोटेक का डिपार्टमेंट है उसे दूसरी किसी दूसरे ब्रांच में उसे शिफ्ट कर दिया है, जो कि एयरपोर्ट साइड था, इसलिए मैंने फिर उसका प्लान कैंसिल करके मैंने जो नेक्स्ट कॉलेज था जो कि है सेंट जोसेफ यूनिवर्सिटी, अब इसका अपन टूर लेते हैं। ये सेंट जोसेफ का रिसेप्शनिस्ट एरिया है, ये आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा बना हुआ है, और ये है जो कि है बायोटेक डिपार्टमेंट का कॉरिडोर, आप देख सकते हैं सामने बोर्ड लगा है डिपार्टमेंट ऑफ द बायोटेक। एग्ज़ाम्स के चलते यहाँ पर मुझे ज़्यादा तो अंदर अलाउ नहीं किया गया था इसी वजह से, और एग्ज़ाम्स भी और हो चुके थे तो डिपार्टमेंट भी सारे क्लोज थे, इसलिए मुझे फुटेजेस भी बाहर से बनाना पड़ी है। देख सकते हैं आप लैब बाहर से कुछ इस तरीके से दिखती है यहाँ की लैब्स। जोसेफ यूनिवर्सिटी, देखिए जब मैं यहाँ पर सेंट जोसेफ यूनिवर्सिटीज में गया था, तो वहाँ पर दे सेड टू मी कि उनकी जो भी सारी डिटेल्स हैं उनकी वेबसाइट पर एक सारी उन्हें डिटेल्स डाल रखी है, मैं उस वेबसाइट की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप इस यूनिवर्सिटी की सारी जानकारी उनकी लिंक से प्राप्त कर सकते हैं या देख सकते हैं। अगर हम बात करें
अगर हम बात करें यहाँ पर MSc's की, तो यहाँ पर भी MSc's की आई थिंक दैट दे आर रनिंग 3 batches, फर्स्ट इन द मॉर्निंग आई थिंक दैट 7 to 11 एंड 11 to 2 एंड 2 to 6, 3 batches यहाँ पर रन होती है। आप जिस भी बैच में इनरोल होना चाहते हैं उस बैच में यहाँ पर आप इनरोल हो सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर्स की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर्स मुझे काफ़ी अच्छा देखने को मिला था, लेकिन मुझे यहाँ की लैब्स थोड़ा मतलब कंजस्टेड टाइप लगी थी, यानी कि छोटी लैब्स थी। वैसे तो मुझे अंदर जाने को अलाउ नहीं किया गया था, लेकिन आई जस्ट मेक द वीडियो, तो आप उसकी फुटेज में देख सकते हैं।